हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी स्वीट की एक ऐसी रेसिपी जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाएंगे, क्योंकि इस स्वीट का नाम है ओरियो कोकोनट डिलाइट। जितना नाम सुनने में टेस्टी, बनाना उतना ही आसान। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है, इसको जरूर क्लिक करिएगा। इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ओरियो कोकोनट डिलाइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 पैकेट ओरियो के लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे बिस्किट में से क्रीम को अलग कर देंगे। बहुत ही आसान है, ये इस तरह से निकल जाएगा। और इस क्रीम को हमें खाना नहीं है, इसको भी साइड में कर देंगे। पहले सारे बिस्किट में से क्रीम को अलग कर देते हैं। जब सारे बिस्किट में से क्रीम को अलग कर देंगे, हम इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिस्किट अच्छे से पीस चुके हैं। तो इसको बाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 बाउल मिल्क, यानी दूध। दूध ना तो गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और 2 बड़े चम्मच मैंने दूध की मलाई ली है, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उसको, उसी की हमने 2 बड़े चम्मच ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा स्वीट में। और 1 चम्मच चीनी ली है, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं। चीनी डाल देंगे दूध में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ताकि हर कोई इसे बना सके। मलाई डाल देंगे, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिला लेंगे, ताकि जो चीनी है दूध में अच्छे से मिल जाए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक, लेकिन बहुत ही टेस्टी सा मिक्सचर बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए, जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, चीनी को घुलना बहुत ज़रूरी है, तब हम इसे बाइंड के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसको हम डाल देंगे। जो हमने बिस्किट पीसे थे मिक्सी में, उसको डाल देंगे इसमें। एक बात का ध्यान रखें, सारे बिस्किट में सारा दूध नहीं डालना है, नहीं तो जो बिस्किट का पाउडर है वो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो को बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखना है, नहीं तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा और डाल देते हैं दूध। और ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा बिस्किट का डो बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको साइड में कर देंगे, इसकी हम जो व्हाइट फिलिंग बनती है वो बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे ओरियो की जो क्रीम निकाल के रखी थी, बहुत ही टेस्टी क्रीम होती है ये। अब इसमें डाल देंगे 1/2 बाउल हम पिसा हुआ नारियल, यानी गरी का बुरादा। अब जो हमने दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे। जैसे हमने ब्लैक डो बना के तैयार किया है ओरियो बिस्किट का, उसी तरह सेम हमें इसमें दूध डालना है और अच्छा सा डो बनाना है। आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच जो मिल्क पाउडर का पाउडर होता है वो डाल दीजिए, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नट डालिए। अब डाल देंगे थोड़े से चॉप किए हुए काजू, क्योंकि मिठाई में ड्राई फ्रूट तो बनता ही है। अच्छे से मिला लेंगे। और कुछ इस तरह से हमने वाइट फिलिंग भी तैयार कर ली है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी मुलायम सी बना के तैयार कर ली है। इस तरह से हमको तैयार करना है इसकी फिलिंग। अब इसको असेंबल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए है 2 पार्चमेंट पेपर, जिसपे हम अपने बिस्किट को रोल करेंगे। आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक की कोई बड़ी सी शीट ले लीजिए, उस पर लगा देंगे हल्का सा ऑयल, ताकि जो बिस्किट है वो उस पर चिपके नहीं। चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब इसी के ऊपर हम दूसरी शीट रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इस पर अच्छे से लग जाए। अब जो हमने ब्लैक ओरियो बिस्किट का डो बनाया था वो डाल देंगे इसके ऊपर। अभी आप देख सकते हैं, जो डो हल्का सा ड्राई हो चुका है, तो इसको हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, ताकि हल्का सा चिकना हो जाए, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे बेलते समय। और ये देखिए, अच्छे से स्मूथ हो चुका है। हल्के फुल्के क्रैक्स आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम रोटी पराठा बेलते हैं हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल वैसे ही बेलना है। बस बेलते समय बात का ध्यान रखें, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए आप बेल सकते हैं, वैसे बेल लीजिए। और ये देखिए, हमने इसको अच्छे से बेल लिया है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ना तो बहुत ज़्यादा पतला। जितना मोटा पराठा होता है बस उतना मोटा बेलना है हमको। ये देखिए, इतने अच्छे से बेल गया है। अब जो हमने वाइट फिलिंग रखी थी वो तैयार कर लिया है, उसको भी हम इसमें रख लेंगे। हल्का सा उसको भी स्मूथ कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए इसमें। अब जितनी बड़ी शीट है उतनी बड़ी हमें इसे सिलेंडर शेप में अच्छे से रोल करना है। ये देखिए, दोनों कितने अच्छे लग रहे देखने में। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो
तो अब सबसे मेन पार्ट आता है इसको रोल करने का। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप रोल करें हल्के से टाइट हैंड से रोल करें, ताकि जब आपके रोल कट करें उसमें रोल जो होते हैं वो खुले नहीं। नहीं तो अगर आपने हल्के हल्के हाथों से रोल किया तो रोल कट करते समय खुल जाएंगे, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अच्छे से पहले रोल करेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। ये देखिए, बस इसी तरह से करना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इस तरह से रोल कर लेंगे, हल्का से इसको स्मूथ कर लेंगे। बस हो गया, 5 से 10 मिनट में आपकी ये पूरी स्वीट बनकर तैयार हो जाती है बिना गैस जलाए। अब इसी पार्चमेंट पेपर में मैं इसको अच्छे से रोल कर दूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो इसको अभी हम कट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पार्चमेंट पेपर में रोल कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए, फिर इसके हम रोल कट करेंगे। तब तक हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस के दाने और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि हल्के सी क्रिस्पी हो जाए। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। जैसे बड़े बड़े शोरूम में मिठाइयों की लगती सुंदर सुंदर सी मिठाइयाँ, सोचते हैं कैसे बनाते हैं इसे लोग, बिल्कुल वैसी ही मिठाई बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने इसको हल्का सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ मैंने ओरियो कोकोनट डिलाइट के रोल को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये सख्त हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे फिर कट करेंगे। और ये देखिए अच्छे से रोल टाइट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो हमने जो खसखस के दाने रोस्ट करके रखे थे ठंडे हो चुके हैं, इसको अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पर फैला देंगे। ये जो पार्ट है ये टोटली ऑप्शनल है, इससे जो हमारी मिठाई थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगेगी, देखने में सुंदर से लगेगी, बस इतना ही है। अच्छे से इसको हमें रोल करते हुए घुमाते हुए रोल करना है, ताकि जितना भी खसखस के दाने सारे अच्छे से इस पर चिपक जाए। और कुछ इस तरह से हमारा ओरियो कोकोनट डिलाइट रोल बनके तैयार हो गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब चलते इसको कट करने की तरफ। तो ये देखिए मैंने थोड़े से कट कर लिए थे, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैमरा ऑफ था, लेकिन मैं आपको फिर से कट करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कट करने में कितने ईजी हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ी सी अलग और बहुत ही टेस्टी सी ओरियो स्वीट की रेसिपी, जिसे हमने सिंपल तरीके से घर के सामान से बनाया है। अगर आपको ये ओरियो कोकोनट डिलाइट स्वीट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भर भर के लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, ताकि सभी को इस टेस्टी सी स्वीट रेसिपी के बारे में पता चल जाए। अगर आपको ये ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।